हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूँ सागर और आज अपने स्टूडियो में आपसे बात करने वाला हूँ निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। 22 जून के दिन जब मार्केट खुलेंगे तो किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, किस तरीके की ऑप्शन चेन पोजिशन जो है वो फ्राइडे के सेशन में कल के दिन बनती हुई दिखाई दी है। और अब जो अगला हफ्ता होता हुआ दिखाई देगा वो होगा मंथली एक्सपायरी का, और मंथली एक्सपायरी में एक बड़े एक्शन की उम्मीद किसी भी साइड की जा सकती है। जिस तरीके के जो डेटा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और खासकर अब ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बाजार में आपको साफ नज़र आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरीके से कल का ट्रेडिंग सेशन हमको देखने को मिला, एक शानदार तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली, और ओवरनाइट पोजीशन यहाँ पे जो है वो तेजी की जो ट्रेडर्स हैं वो ले जाते हुए यहाँ पे दिखाई दे। दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास कहीं ना कहीं हम जाते हुए दिखाई दे। क्लोजिंग के समय 10,244 का क्लोजिंग लेवल आता हुआ दिखाई दिया। 10,119 पे जब हम ओपन हुए 10,072 का लो बनता हुआ दिखाई दिया और 10,272 का इंट्राडे हाई। तो 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट जो था कल के दिन कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक्स में हम बात करते हैं कि अच्छी खासी जो तेजी बनती हुई दिखाई दी, खासकर बजाज के दोनों शेयरों की अगर हम बात करें तो 9% बजाज फिनसर्व उठता हुआ दिखाई दिया, वहीं 6.5% की तेजी बजाज फाइनेंस में थी। तो एक वक्त ऐसा था जहां 1800-1900 के लेवल में एक अच्छी खासी सेलिंग चल रही थी बजाज फाइनेंस में, और अचानक से अब इन दोनों स्टॉक्स में तेज सिलसिला चालू हो गया चलने का। रिलायंस इंडस्ट्रीज 12 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप बनता हुआ दिखाई दिया, 6.5% की बड़ी तेजी, और निफ्टी को उठाने में बहुत बड़ा साथ इसकी तरफ से निकल के आया। टाटा मोटर्स भी 100 का लेवल पार किया, लगभग 6% की तेजी। इंफ्राटेल में भी 5% की तेजी बनती हुई दिखाई दी। गिरने वाले शेयरों की बात करें, इंडसइंड बैंक में 2% से ज़्यादा का दबाव था। M&M में भी 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। 1.25% वेदांता गिरता हुआ दिखाई दिया। 1.2% की गिरावट एससीएल टेक और ITC भी 1% तक कल के ट्रेडिंग सेशन में टूटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्लोबल मार्केट के जो संकेत थे हमारे मार्केट बंद होते तक वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे थे। उस समय जब हमारे मार्केट बंद हुए 200-300 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर था। लेकिन अब हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स की तो किस तरीके से मार्केट दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट जो है वो आपको नेगेटिव दिखाई देंगे। रात भर में पूरे का पूरा जो खेल है बदल गया अमेरिका में। अमेरिका के जो मार्केट है 25,513 के आसपास फ्यूचर्स लेवल दिखाई देंगे, 400 पॉइंट के आसपास तक की गिरावट देखने को मिली। 26,317 का हाई था और 25,507 लो था, और लो के आसपास जाकर डाउ जोन्स बंद होता हुआ दिखाई दिया। यानी कि कहीं ना कहीं SGX निफ्टी जब रात को बंद हुआ तो 10,145 का लेवल था, यानी कि कैश लेवल से हम बात करें तो 100 पॉइंट नीचे जो है वो निफ्टी काम काज करता हुआ दिखाई दे रहा था। और उस वक्त भी जो डाउ जोन्स था तकरीबन 5,500 पॉइंट ही नीचे था, तो अगर उसको एडजस्ट करें तो 10,100 के नीचे तक के जो लेवल है हमको निफ्टी में सोमवार के दिन देखने को मिल सकते हैं, अगर इसी तरीके की सेम इंडिकेशन रही। नेस्डेक और S&P 500 में भी 0.5 से 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट भी जो बंद हुए उसमें भी लगभग 0.5 से 1.5% तक की जो गिरावट थी वहां देखने को मिली, और साथ ही साथ S&P 500 वीक्स में भी 4-4.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, दुनिया भर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तेजी बोलते हैं तो मार्केट बोलता है कि तेजी हमने पचा ली है, मंदी तो मंदी भी पचा ली है, लेकिन क्लियर कट जो डायरेक्शन है वो मार्केट का अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। FIS के डेटा की अगर मैं बात करूं, कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर से एक बाइंग के डेटा आपको देखने को मिलेंगे FIS की तरफ से। 1237 करोड़ की जो बाइंग है वो FIS की तरफ से होती हुई दिखाई दी है, लेकिन जो DIS है उन्होंने 880 करोड़ के स्टॉक्स यहाँ पे सेल किए हैं। तो FIS DIS लगातार किसी न किसी अलग अलग ट्रेंड पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी FIS के पॉजिटिव आंकड़े आ रहे हैं तो कभी यहाँ पे आपको नेगेटिव आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो अभी भी कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। जब तक 10,300-350 के आसपास निफ्टी ऊपर बंद नहीं होगा तब तक यहाँ पे कोई पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, और अभी भी यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस और कंजेशन जोन पे ही फंसा हुआ है। ये ब्रेकआउट अब देखना होगा कि क्या अगले हफ्ते मार्केट वाकई में 10,300 के ऊपर चला जाता है और क्लोज देता है। यानी अगर ऐसा होता है तो फिर उसके बाद हम जुलाई सीरीज में एक अच्छी खासी तेजी जो कि 11,000 तक की मानी जा रही है हो सकती है, वो हम देख सकते हैं। ऑप्शन चेन की डेटा की अगर बात करें तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो दोनों ही साइड के ट्रेडर्स में आपको देखने को मिलेगा साफ। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देख सकते हैं 10,000 के पुट के लेवल पे आप जरा नजर डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस सपोर्ट है जो अगले हफ्ते के लिए होगा। 39 लाख शेयरों का बनता हुआ दिखाई दिया, और अब सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो है वो 10,000 के लेवल पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया। 10,41,000 शेयरों की बड़ी पोजीशन उस कल के दिन यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दे रही है।
9,900 के पुट पे मैं बात कर लूँ तो 37,71,000 शेयरों की टोटल पोजीशन है और 7,18,000 शेयर करके दिन यहाँ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10,100 के पुट पे नजर डाले तो 7,87,000 शेयर जो है कल के दिन जुड़ते हुए दिखाई दे और 17,15,000 शेयरों की टोटल पोजीशन है और 10,200 जिसके आसपास हम बंद होते हुए दिखाई दिए, जिसके ऊपर हम बंद हुए हैं 7,50,000 शेयर जो पुट राइटिंग है वो इस लेवल पे भी आपको देखने को मिल रहा है। टोटल 10,74,000 शेयरों की टोटल ओपन पोजीशन यहाँ पे। तो कल के दिन अगर हम बात करते हैं तो पुट में एक जबरदस्त राइटिंग हमको देखने को मिली नीचे 10,200 से 9,900 के बीच में, कम से कम नहीं से निहाल में 22-30 से ज्यादा लाख शेयर, 30 लाख शेयर से ज्यादा जो है वो यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई दिए, जो ये कॉन्फिडेंस दर्शा रहे हैं कि मार्केट का नीचे जाना अभी मुश्किल है और मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा जिस तरीके से कल तेजी बनती हुई दिखाई दी। लेकिन कॉल राइटर्स के ऊपर अगर नजर डालें तो 10,200 के कॉल में आप देख सकते हैं मात्र 48,000 शेयर जो है जुड़ते हुए दिखाई दिया और 10,000 और 10,100 के कॉल से अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दी। 1,61,000 शेयर 10,100 से निकल गए हैं और 10,000 के कॉल से भी 4,39,000 शेयर बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। 9,900 के कॉल से भी 2,87,000 शेयर निकलते हुए दिखाई दिए। तो नीचे के जो स्ट्राइक प्राइस है इन द मनी हो गई है, जो आप कॉल में वहां से अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो फ्रेश पोजिशन बन रही है वो ऊपरी स्ट्राइक प्राइस में अभी भी बन रही है। 10,300 के कॉल की मैं बात करूँ 25 लाख शेयरों का एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अभी बना हुआ है और 4,50,000 शेयरों से ज्यादा का कल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। तो एक पहला रेजिस्टेंस आपको 10,300 के आसपास मिलेगा जहाँ पे मल्टीपल टाइम जाके अटकते हुए दिखाई दिए हैं। 10,400 के आसपास की बात करें 7,50,000 शेयर कल के दिन जुड़ते हुए यहाँ दिखाई दिए हैं। 22,71,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना है और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 10,500 के कॉल पे बना हुआ है जहाँ 34 लाख शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। 7,50,000 शेयर यहाँ पे भी जुड़ते हुए दिखाई दिए, जो प्रीमियम चलती हुई दिखाई दे रही है 38 रुपये के आसपास। तो जो आईवी से वो यहाँ पे थोड़ी सी रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है डेफिनेटली, लेकिन लगातार जिस तरीके से कॉल राइटिंग भी अब ऊपरी लेवल में दिखाई दे रही है तो देखने वाली बात ये होगी क्या 10,300 का जो लेवल है वो यहाँ पे अगले हफ्ते मार्केट निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता। अगर 10,300 का लेवल निकल जाएगा तो 10,500 तक के आसपास हम एक्सपायरी के लेवल को देख सकते हैं। तो जो इस हफ्ते की एक्सपायरी की रेंज कहीं ना कहीं मार्केट लेके चल रहा है, नीचे की तरफ 10,000 और ऊपर की तरफ 10,500 दोनों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रेंज बनते हुई दिखाई दे रही है और इस रेंज के किधर भी साइड अगर मार्केट निकलेगा तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है और खासकर अगर नीचे की साइड मार्केट जाएगा तो बहुत ही बड़ा मूव आपको देखने को नीचे की तरफ मिल सकता है। बात कर ले अगर बैंक निफ्टी के लेवल पे तो 21,000 के ऊपर जाके बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया है। क्लोजिंग जो आई है 21,338 के आसपास, तो कहीं ना कहीं 21,500 21,700 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस जो है 21,000 के लेवल को हम कल पार करते हुए दिखाई दिए, जो कि पॉजिटिव संकेत डेफिनेटली है। लेकिन जिस तरीके से अभी पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है जो नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी पोजीशन, उसके ऊपर अगर हम नजर डालने की थोड़ी कोशिश करें तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट पुट पे है वो अभी भी 20,000 के लेवल पे बना हुआ है। 7,86,000 शेयरों का एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। 1,88,000 शेयर कल जुड़ते हुए दिखाई दिए, तो पुट राइटर्स का साफ सपोर्ट है कि 20,000 एक स्ट्रांग बेस बन के कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। 21,000 के लेवल की अगर पुट की हम बात करते हैं तो 2,60,000 शेयर के आसपास का कल एडिशन यहां देखने को मिला है और टोटल जो ओपन इंटरेस्ट बन गया है वो 4,65,000 शेयरों का है। तो कल के दिन यहां पे अच्छा एडिशन देखने को मिला, जैसे 21,000 पार होता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद जबरदस्त पुट राइटिंग यहां पे भी देखने को मिली और खासकर जिस तरीके से पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में, वो सपोर्ट दे रहा है कि बैंक निफ्टी शायद इस बार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। लेकिन जो रेजिस्टेंस का जोन है वो आपको दिखाई देगा किसी न किसी तरीके से 21,500 के आसपास। सबसे पहले यहाँ पे 3,97,000 शेयरों का टोटल ओआई बना है, 86,000 शेयर जो है कल के दिन जुड़ते हुए दिखाई दिए। 21,300 के कॉल पे भी अगर हम नजर डालें तो 1,05,000 शेयरों की राइटिंग जो है यहाँ पे आपको 21,300 के कॉल पे देखने को मिल रही है। 21,000 के कॉल से 41,000 शेयर जो है अनवाइंड हुए हैं और जो इन द मनी कॉल है उसमें से भी अंदर की कुछ अनवाइंडिंग देखने को डेफिनेटली मिली है। 65,000 शेयर जो है 20,000 के कॉल से निकलते हुए दिखाई दिए, 29,000 शेयर जो है 20,500 के कॉल और 57,000 शेयर जो है वो 20,700 के कॉल से निकलते हुए दिखाई दिए। और जो पोजिशन अब शिफ्ट होकर 22,000 के कॉल पे या उसके ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे अब शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है।
22,000 की कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल में, अभी भी 6,18,000 शेयरों का और 1,66,000 शेयर जो है वो कल के दिन यहाँ पे भी जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो डेफिनेटली 22,000 का जो कॉल का लेवल है वो अभी भी रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो दो लेवल जो है इस हफ्ते के लिए अब इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो वाइड मूव एक्सपेक्टेड हो सकती है वो इन्हीं दो रेंज के बीच हो सकती है। तो बैंक निफ्टी की जो रेंज होगी वो 10% की रेंज आप मान के चलिए, 20,000 से लेके 22,000 की रेंज, जहाँ पे हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 7,86,000 शेयरों का तकरीबन 20,000 के पुट पे और 6,18,000 शेयरों का 22,000 के कॉल पे। तो दो में से जो भी लेवल जिधर भी निकलेगा वहां पे आपको 500 से 1,000 पॉइंट का एक्स्ट्रा मूव जो है डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। 22,000 के अगर ऊपर चला गया मार्केट तो आपको 23,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर 20,000 का लेवल टूट गया तो फिर 19,000-19,500 तक के लेवल आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो मूव की उम्मीद की जा रही है इस हफ्ते, शायद ये मार्केट इसी के बीच कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे, और हो सकता है शायद आपको एक्सपायरी के दिन के आसपास आपको एक वाइड मूव देखने को डेफिनेटली मिले। सोमवार के लिए जिस तरीके की पोजीशन बनती हुई दिखाई दी है वो डेफिनेटली बुलिश है, लेकिन अगर थोड़ा भी नेगेटिव रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे, खासकर जिस तरीके से इंडो चाइना के बीच में टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो अगर मार्केट में कोई नेक्स्ट सेलिंग ट्रिगर आने का होगा तो डेफिनेटली ये ट्रिगर जो है वो मार्केट में वहीं से आता हुआ दिखाई देगा, और उसके बाद उस कंडीशन में आपको तैयार रहना चाहिए एक वाइड वोलेटिलिटी के लिए मार्केट में, जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं 5 से 10% तक कहीं भी गिराते हुए दिखाई दे सकती है। तो 9,500 तक के जो लेवल है वो आपको फिर निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं, और बैंक निफ्टी में भी 20,000 के नीचे के लेवल आपको आसानी से फिर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके ऊपर आपको अगले हफ्ते नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी, और खासकर जो ऑप्शन डेटा है बता रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है पुट राइटर्स का वो कहीं मार्केट में भारी ना पड़ जाए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जबरदस्त तरीके से जो है तेजी बनती हुई दिखाई दी है, और ओवर कॉन्फिडेंस तरीके से जिस तरीके से स्टॉक्स में तेजी होती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा भी निजी रिएक्शन फिर वहां पे प्रेशर डालता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।